नगर पंचायत भोटा बस अड्डे में हिमाचल परिवहन निगम की टीम हिमाचल परिवहन निगम की बस में पहुंची। बस में लगभग 30 से 35 कर्मचारी मौजूद थे और हिमाचल परिवहन निगम के कर्मचारी पवन ने खोकेदारकों को डिटेचेबल छतरी हटाने के लिए कहा। दुकानदार ने कहा कि मैं डिटेचेबल छतरी को हटा लूंगा। वहीं इसके संदर्भ दुकानदार अजय का कहना है कि हमारे ऊपर ही क्यों कार्रवाई की जाती है, बाकी खोकेदारकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। इससे पहले भी हमारी टीम के शेड उखाड़े गए, बाकी हमने 11 महीने का एडवांस किराया भी भर दिया है। हमने इसके संदर्भ में कल डीसी हमीरपुर से मिले थे और बरसात के मौसम में अखबारें बेचने का काम करते हैं, अखबारें पानी से खराब हो जाती हैं, इसलिए मैंने डिटेचेबल छतरी लगवाई है। आज आरटीसी की जो टीम आई थी आपको क्या बोला? अच्छा, आरटीसी की जो टीम आई थी आज कम से कम 20-22 बंदे थे उसमें, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपने जो डिटेचेबल छतरी लगाई हुई है उसको आप हटा दो, और हमने तो हमें आरएम साहब ने काटने के ऑर्डर दिए हुए हैं। इस संदर्भ में टीचर छतरी लगाने के संदर्भ में मैं कल डीसी साहब से भी मिला। डीसी साहब ने मुझे आश्वासन दिया क्योंकि सर मेरी ऐसा है कि अखबारों का काम है जिसके ऊपर अगर पानी का छींटा भी गिर जाएगा तो मेरे तो वो नहीं बिकेगी अखबार। और आज को आपको पता है आजकल बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम के कारण ही मैंने टीचेबल छतरी जो लगा रखी है बरसात, उसको मैं सिर्फ वर्षा वाले दिन ही खोलता हूँ, जिसको कम से कम 1 फुट खोलता हूँ। तो आज एचआरटीसी वाले आए थे तो वो छतरी काटने के लिए आए थे, वो कहते हैं कि हमारे आरएम साहब का जो है ऑर्डर है इसको काटने का। पता नहीं एचआरटीसी वाले आरएम साहब मेरे ऊपर ही क्यों कार्रवाई करते हैं, अदर दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। देखो कोरोना काल चला हुआ है, काम दाम है नहीं, हमने फिर भी 11 माह का किराया 20% बढ़ोतरी के साथ दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि आपको किराया माफ़ कर दिया जाएगा, इन्होंने हमें 1-2 महीने का कोई किराया माफ़ नहीं किया है आज तक। तो पता नहीं मेरे ये एचआरटीसी वाले मेरे से क्या चाहते हैं और क्या मेरे से खुंदक निकाल रहे हैं, इसका कोई मेरे को लेना देना नहीं है, इसको मेरे को पता नहीं है जी। तो अदर और दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, मेरे ही दुकानदार मेरे के ऊपर ही कार्रवाई होती है क्योंकि मैंने मेरे पहले हमारे हले उन्होंने छड्डे उखाड़ दिए, ये कहते हैं डी साहब का ऑर्डर है। इसी संदर्भ में मैं डी साहब से भी मिला जी, डी साहब को भी मैंने कि अपना पत्र सौंपा हुआ है। डी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैंने इसी संदर्भ मैंने एक टीचेबल छतरी जो है अपनी सुरक्षा के लिए लगाई हुई है जिसको मैं खोलता हूँ, और आज ये आरएम साहब ने कुछ चुनिंदा बंदे 20-25 लोग इसको काटने के लिए भेजे हुए हैं।